क्रिकेट से जुड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। क्रिकेट जगत के मशहूर वेस्टइंडीज खिलाड़ी क्रिस गेल ने भारत सरकार के कैरेबियाई देशों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तारीफ की है। उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर कर कोरोना वैक्सीन के लिए भारत की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन देने के लिए मैं भारत सरकार, पीएम मोदी और भारत की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। हम इसकी सराहना करते हैं। Honorable Prime Minister Mr. Modi, people of India, the government of India, I want to thank you all for your donation of vaccine to Jamaica. वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत वैक्सीन दे रहा है भारत। गौरतलब है कि भारत कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम में अहम रोल निभा रहा है। दरअसल भारत सरकार वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत स्वदेशी कोरोना वैक्सीन दूसरे देशों को मुहैया कराने में जुटी हुई है। जमैका से पहले भारत और भी कई देशों को कोरोना वैक्सीन की खेप दे चुका है। इसमें भूटान, मालदीव, मॉरिशस, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, कनाडा और श्रीलंका शामिल है। विव रिचर्ड ने भी की थी पीएम मोदी की तारीफ। बता दें कि इससे पहले वेस्टइंडीज के पूर्व महान क्रिकेटर विव रिचर्ड्स ने भी कैरेबियाई देशों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने इस कदम के लिए भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा था, मैं एटिंगा और बारबाडोस के लोगों की तरफ से भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन्होंने हमें कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंचाई, इससे भविष्य में हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम में अहम भूमिका निभा रहा है और वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में जुटा है। अब इसकी खेप वेस्टइंडीज पहुंचाई जाएगी। भारत ने इस अभियान के अंतर्गत अनेक देशों जैसे भूटान, मालदीव, मॉरिशस, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका को भी अपने देश में बनी कोरोना वैक्सीन दी है। फिलहाल क्रिकेट से जुड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।